शांति। आज है 18 मई 1965 का प्रातः काल। रिकॉर्ड चला है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीले बच्चों ने गीत सुना। किसने गीत सुना? जो मीठे मीठे बच्चे हैं, करुए बच्चों ने न ये गीत सुना है, हैं? और न उनकी तकदीर जगती। तकदीर किनकी जगती है? जो मीठे मीठे बच्चे हैं और बहुत समय के बाद बड़े सिख से, बड़े प्यार से बाबा से मिलते हैं। बाप दादा पूछते हैं, यहाँ बैठते हो तो ये नशा चढ़ा हुआ है कि अभी हम विश्व का, स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं, यहाँ बैठे हो तो हमेशा यहाँ ही बैठे रहना चाहिए ना? यहाँ माना कहाँ? बाबा के सन्मुख ही रहना चाहिए ना? कि कभी विमुख होने में भी फायदा है, विमुख होने में तो फायदा नहीं है। तो जहाँ कहीं भी हम दुनिया में घूमे, लेकिन मन बुद्धि से बाबा के सन्मुख रहे, क्योंकि यहाँ सन्मुख रहने से हमको नशा चढ़ा रहता है कि हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, हमें लायक बनाए रहे हैं। स्वर्ग का रचयिता कौन है? बाप। तो क्लियर कर दिया कि कोई देहधारी मनुष्य गुरु स्वर्ग के रचयिता नहीं है, स्वर्ग की रचना करने वाले नहीं है। स्वर्ग का क्रिएटर एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, और वो ही हमें लायक बनाए रही है। कहे के लायक बना रही है? स्वर्ग में चलने के लायक बनाए रहे हैं। ये नशा होना चाहिए। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए शिव बाबा द्वारा पढ़ाई पढ़कर लायक बन रहे हैं क्या? ये पढ़ाई पढ़ने के लिए बीच में कौन है? बाबा। खुद बाबा ही हमको ये पढ़ाई पढ़ा करके लायक बनाए रहे हैं। कोई मनुष्य गुरु ये पढ़ाई पढ़ाकर लायक नहीं बना सकता। तो हम ये पढ़ाई पढ़कर लायक बन रहे हैं। हम एक ही शिव बाबा की याद में रहने की नित्य नई कोशिश कर रहे हैं। तुम यहाँ बैठे ही हो विश्व का मालिक बनने के लिए क्या? सिर्फ स्वर्ग का मालिक बनने के लिए नहीं, सतयुग का मालिक बनने के लिए नहीं, काहे के मालिक? विश्व का मालिक। विश्व में कितने होते हैं? 500, 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो भी है, वो सारा विश्व, जहाँ विश्व धर्म की आत्माएं समाई हुई हो, उस विश्व का मालिक बनने के लिए तुम यहाँ बैठे हो। विश्व का मालिक बनना, बाप को याद करना, ये तुम्हारा पहले नंबर का रूटीन हो गया, और रोज का ये रूटीन है। क्या क्या रूटीन है रोज का? है बाप को याद करना हमारा पहले नंबर का रूटीन है। जैसे बच्चे को रोज स्कूल में जाना होता है, समझते हैं फलाना इंसान पढ़ करके पास करना है, तो तुम्हारी बुद्धि में कौन सा इंसान है? विश्व के मालिक बनने का तुम्हारी बुद्धि में ये इंसान है, तुम्हारा कितना जबरदस्त इंसान है क्या? ये छोटा छोटा मोटा इंसान नहीं है, इसमें बहुत ऊंची ऊंची परीक्षाएं हैं, जबरदस्त इंसान है। फिर पढ़ाने वाला कौन है? ऊंची परीक्षा है तो पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच है। कितना नशा रहना चाहिए। तुम समझते हो कहाँ वो स्टूडेंट लाइफ और कहाँ ये स्टूडेंट लाइफ? ये एक ही बारी की स्टूडेंट लाइफ है। कैसे? वो वकालत की पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए, और ये पढ़ाई विश्व के मालिक बने की सिर्फ
संगम युग में एक ही बार बाप आकर के पढ़ाते हैं, एक ही बारी की स्टूडेंट लाइफ है, वो तो जन्म जन्म स्टूडेंट लाइफ चलती है, वो है जिस्मानी, जिसको पढ़ते हो और जिस्म पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाले कौन से होते हैं? जिस्मानी गुरु लोग, जिस्मानी शिक्षक लोग, और यहाँ पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, पढ़ने वाली भी रूह और पढ़ाने वाला भी रूह। जो आत्म की स्थिति में होकर नहीं बैठते हैं, वो ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, ना उनके कुछ पल्ले पढ़नी है। कौन पढ़ते हैं? जो देहभान में होकर बैठने वाले हैं वो नहीं पढ़ सकते। आत्मिक स्थिति में होकर जो रहने वाले हैं, बैठने वाले हैं, वो इस पढ़ाई को पढ़ सकते हैं। परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं, योग में रहने से हमारी तंदुरुस्ती फर्स्ट क्लास हो जाती है। बाप जानते हैं, कर्म में धंधा धोरी आदि में जाने से स्टूडेंट लाइफ भूल जाती है। वास्तव में भूलनी नहीं चाहिए। स्टूडेंट अपने टीचर को याद करते हैं, जानते हैं हम फलाना इम्तिहान दे रहे हैं फलाना बनने के लिए। तुम स्टूडेंट भी हो और बच्चे भी हो, क्या तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम बाप के बच्चे भी हो, वो तुम्हारा बाप भी है और वो तुम्हारा शिक्षक भी है और तुम उसके स्टूडेंट भी हो। ऐसे दुनिया में होता नहीं क्या कि बच्चा बच्चा भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो और उसका बाप शिक्षक भी हो और बाप भी हो? लेकिन यहाँ ये विशेषता है, कंपल्शन है कि ये तुम्हारा बाप भी है और शिक्षक भी है। तो बाप को याद करने से कितना फायदा होता है? बाप को याद भी करते रहेंगे, स्टडी भी करते रहेंगे, वो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी का डांस होना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला बाप है, ये स्टूडेंट को कभी भूलना नहीं चाहिए। बाप ही हमारा सब कुछ है, अर्थात बाप टीचर भी है और गुरु भी है। क्या वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है? कौन? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा? ये कहे कि दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप के द्वारा वर्षा मिलता है तो बाप कहा जाता है, टीचर के द्वारा शिक्षा मिलती है, जो कविता पाठ होता है या गद्य होती है उसकी समझानी मिलती है, और गुरु के द्वारा सदगति मिलती है। तो ये कहे कि सन 65 में ये वाणी ब्रह्मा के द्वारा चलाई गई तो वर्षा भी मिल गया, सारी वाणी की समझानी भी मिल गई और गति सदगति भी हो गई। कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाप टीचर और सदगुरु की तीनों के रूप में मिलने वाला स्वरूप है, वो ब्रह्मा दादा लेखराज के शरीर छोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है। वहां दुनिया में बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, पढ़ाई पढ़ाने वाला स्कूल में टीचर अलग होता है, और फिर गुरु करते हैं वो भी अलग होता है। अलग अलग नाम रूप देश काल होने से बुद्धि में लाना पड़ता है। गुरु को अलग बुद्धि में याद करना होता है, टीचर को अलग याद करना होता है, बाप को अलग याद करना होता है। तो याद करना कठिन होगा या सहज होगा? क्योंकि तीनों को अलग अलग याद करना पड़ता है, और यहाँ तीनों ही एक है। बाप भी वही है, टीचर भी वही है और सदगुरु भी वही है। तो अलग अलग नाम रूप देश काल होने से ये सब बुद्धि में लाना पड़ता है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि को बहुत तरफ भटकना नहीं पड़ता, सीधा सीधा बुद्धि में बैठ जाता है, ये हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। बाप कहते हैं चाचा मामा काका आदि जो भी है, सबसे बुद्धि योग निकालो, बहुत देहधारियों के पिछाड़ी मत भटको।
बाप को तो अपना शरीर नहीं है, तो उस विदेही को याद करो। ये याद सवेरे में उठ कर सकते हो, जिसका असर फिर सारे दिन में चलेगा। क्या कहा है? जो सवेरे सवेरे उठकर याद करेंगे उनको सारा दिन अवस्था बढ़िया बनी रहेगी, बाप की याद आती रहेगी, सहज सहज आत्म की स्थिति भी बन जाएगी। ये वेद की भी बात है, जब परमात्मा बाप आते हैं, सतगुरु की सवेरा होने वाला होता है, उस समय जो आत्मा विशेष परमात्मा की याद करती है वो फिर सतयुग त्रेता में तो आत्म की स्थिति में रहती है, लेकिन द्वापर और कलयुग में भी उनको परमात्मा से विशेष लगाव बना रहता है। तुम कहलाती हो शिव शक्तियां, तुम शिव बाबा से शक्ति लेती हो हर बात की, वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। क्या कहा? तुम शक्तियां जिससे शक्ति लेती हो वो हर बात की शक्ति देता है। क्या? कौन कौन सी शक्ति देता है? पहले तो मन की शक्ति देता है, बुद्धि की शक्ति देता है, क्योंकि मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। दूसरी तन की भी शक्ति देता है, धन की भी शक्ति देता है, समय संपर्क सब प्रकार की शक्ति देता है। हमारे जन्म जन्मांतर के समय संपर्क संबंध सब मजबूत हो जाएंगे। तो बाप हर प्रकार की शक्ति देते हैं, सागर में बहुत शक्ति है। क्या? तुम्हारा बाप कौन है? ज्ञान का सागर है, उसमें बहुत शक्ति है। कितना उसमें पानी निकलता है? वो तो स्थूल जड़ सागर है जिसमें जड़ पानी निकलता है, और इसमें ज्ञान का जल निकलता है। सागर न होता तो इतना पानी कहाँ से आता? जड़ सागर से जैसे इतनी बरसात होती है, बादल भरते हैं, फिर बरसात होती है, नदियां भर जाती हैं, तालाब भर जाते हैं, झीलें भर जाती हैं, ऐसे ही ये ज्ञान सागर है। इस ज्ञान सागर से बहुत कुछ मिलता है। सागर में बहुत खाड़ियां होती है। सागर में इतना पानी नहीं होता तो पानी कहाँ से आता? खेत आदि कुछ हो न सके। एक सागर से कितनों की पालना होती है। सागर से ही सब कुछ मिलता है। आजकल मछलियां आदि भी कितनी खाते हैं। क्या? सागर में सबसे बड़ा भंडार कौन से जंतुओं का होता है? मछलियों का। सागर में खाने की चीजें बहुत हैं। कभी तो मनुष्य भूख मरते हैं तो घोड़ों को भी काट पटाई कर खा जाते हैं। जहाँ सागर दूर होता है मछलियां नहीं मिलती, लड़ाई हो रही है, खाने को कुछ मिलता नहीं, तो घोड़ों को भी काट पकाए कर खा जाते हैं। देखो शिव बाबा कैसे कहते हैं, मछलियों की बात करते हैं, घोड़ों को काट पकाए खाने की बात करते हैं। बाप कहते हैं इन बातों को समझने के लिए मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारी बुद्धि महीन हो जाएगी, तो बुद्धि में बैठ जाएगा कि इस ज्ञान सागर में मछलियां कौन है और युद्ध के मैदान में घोड़े कौन से होते हैं, बहुत आगे पीछे होकर के लड़ाई लड़ते हैं। देखो सुख में तो तुम मुझे याद नहीं करते हो। सती को त्रेता रूपी सुख होता है, स्वर्ग होता है, जन्नत होती है, तो तुम वहां मुझे याद नहीं करते हो, और जब दुख शुरू होता है द्वापर से तो तुम मुझे बहुत याद करते हो। फिर तुम मेरा नाम रूप देश काल सब भूल भी जाते हो। कब से? गीता में भी बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। नेहरू का बाप था मोतीलाल। क्या? काहे की रूह? नेह की रूह। नेहरू जी थे, उनके बाप का नाम था मोतीलाल, तो अगर मोतीलाल की बायोग्राफी में नेहरू का नाम डाल दें तो मोतीलाल की बायोग्राफी खंडन हो जाएगी। तो ऐसे ही शिव बाबा की बायोग्राफी में नाम किसका डाल दिया?
कृष्ण का नाम डाल दिया। किसने डाल दिया? गीता ज्ञान किसने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया या देव दादा लेखराज कृष्ण की सोल ने सुनाया? शिव बाबा ने सुनाया। लेकिन मुरलियों में नाम किसका डाल दिया? पिता श्री ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज का नाम डाल दिया। तो मुरलियां सारी खंडन हो जाती है। क्यों? क्योंकि पढ़ने वालों की बुद्धि किसमें अटक जाएगी? निराकार सुप्रीम सोल विदेही बाप में अटकेगी या देहधारी ब्रह्मा में अटक जाएगी? देहधारी में अटक जाएगी। तो देह में बुद्धि अटकने से तो सारा पतन हुआ है, तो सारी गीता खंडन हो गई। तुम बच्चों को पहले पहले ये सिद्ध करना चाहिए क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। ये सिद्ध करना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान पंडित शंकराचार्य जितने भी हैं, जैसे को भी ये पता नहीं है। बड़े बड़े विद्वान शंकराचार्य आदि जैसों को भी ये पता नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। गीता माता का गीता पति भगवान कौन है वो उनको पता ही नहीं। गीता का गीता जो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि उनको फिर ठोक दिया है द्वापर में। हैं? सब शास्त्रों का जो शिरोमणि है उसको कहाँ ठोक दिया? जहाँ दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपनी बाइबल पाहुड धम्मपद और कुरान आदि लिखते हैं, लिखवाते हैं, वहाँ कृष्ण को ठोक दिया है, गीता का भगवान बना दिया है, गीता को द्वापर युग में ले गए। अरे द्वापर में अगर कृष्ण भगवान आया तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया था? भगवान का यही काम है कि पाप की दुनिया आकर के स्थापन कर दे? ऐसे तो हो नहीं सकता। जो सब प्रकार के शास्त्रों की शिरोमणि है, गीता कुरान बाइबल धम्मपद गुरु ग्रंथ साहब इन सब ग्रंथों से श्रेष्ठ मानी जाती है, सब शास्त्रों का निचोड़ है, श्रेष्ठ है वो सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, उसको द्वापर में तो नहीं ले जाना चाहिए। कितनी जबरदस्त भूल की है, डिग्रेड कर दिया है। तो अब तुम बच्चों को आकर आवाज करनी चाहिए, बड़ों बड़ों को पकड़ना चाहिए इस बात में कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण नहीं हो सकता, जैसा कि ब्रह्मा कुमारियां तथाकथित मानती है। क्या मानती है? कि सृष्टि पर अगर साकार रूप में भगवान का कोई रूप है, भगवान का कोई असली साकार रूप है, तो दादा लेखराज ब्रह्म है। बाबा कहते इस बातों को खंडन करो। गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं हो सकता। बड़ों बड़ों को पकड़ना चाहिए, जो कसम उठवाते हैं। कौन उठवाते हैं कसम? कोर्ट में जस्टिस, चीफ जस्टिस, सुप्रीम जस्टिस कसम उठवाते हैं ना गीता की, तो उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बुद्धि को पकड़ना चाहिए। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से कसम उठवाता है, चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से कसम उठवाता है गीता हाथ में दे करके। दोनों के कान तक रणियां मारनी चाहिए कि तुम झूठ ही कसम उठवाते हो। क्या गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? और एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उसमें उनके सिग्नेचर कराना चाहिए। मुख्य शास्त्र गीता को खंडन किया गया है, कृष्ण भगवान वाच है नहीं, तुम सब झूठी कसम उठाते हो। कसम उठाते समय गीता हाथ में देते हैं कि हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान करके सच कहूंगा। हैं? अब ईश्वर तो इस सृष्टि पर सदैव हाजिर नाजिर रहता ही नहीं,
नाजिर माने नजर के सामने, न हाजिर रहता है न नजर के सामने रहता है, वो तो सिर्फ कब आता है, जब संगम युग होता है तब आता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि जब होना होता है तब आता है। तो हाथ में गीता देते हैं कि हम ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहूंगा, क्योंकि गीता है सच्चे बाबा की सुनाई हुई, इसलिए समझते हैं गीता सबसे ऊंची है। उसमें भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल करके कितनी भूल कर दी, बाबा ने कितनी बार समझाया है कि एक बात को सिद्ध करो तो सबका मुंह नीचे हो जाएगा। किस एक बात को सिद्ध करो? कि गीता माता का पति, गीता पति भगवान, दादा लेखराज कृष्ण नहीं है, कृष्ण की सोल गीता का भगवान नहीं है, बहुत परेशान हो जाएंगे, उन सबका मुंह नीचे हो जाएगा। परंतु किसको भी इतना नशा चढ़ता नहीं है, जो भी बड़े बड़े हैं उनको समझाने का, इसमें मदद चाहिए गोपों की। ये काम कौन कर सकते हैं? ये काम गोप कर सकते हैं, माताएं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं, गोपों का पोजीशन है, पढ़े लिखे हैं, तुम्हारे पास बहुत वकील आदि भी सुनते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठता नहीं है जो तुम्हारी सर्विस चीटी मार से बदल करके बेहंग मार की हो जाए। ये है बड़े से बड़ी भूल, जो क्लियर करके बताने के लिए मेमोरेंडम बनाओ। मेमोरेंडम में मुख्य लीडर्स का नाम आता है, 8-10 मुख्य को बुलाते हैं, 18-5-65 की वाणी का दूसरा पेज। तुम ये भी सिद्ध करके बताओ कि ये तो बड़ा नुकसान हो गया, ये भारी भूल कर दी है। फीमेल तो अनपढ़ी होती है, वास्तव में तुम मेल्स बच्चों को देही अभिमानी, इन्हें फीमेल से जाति बनना है, बन सकते हो। ये क्या बात कह दी? माताओं बहनों के मुकाबले भाई लोग ज्यादा देही अभिमानी बन सकते हैं, आत्माभिमानी बन सकते हैं। माताएं कन्या आत्माभिमानी नहीं बन सकती। महाभारत में गायन आया है, पांडव ऊंची स्टेज में चढ़े तो क्या हुआ? गल मरे। उन्होंने तो समझा कि शरीर से गल मरे होंगे, लेकिन वास्तव में बात क्या है? उन्होंने अपने देह भानु को गलाई दिया। तो पांडवों का गायन है ना, क्या कि पांडवों ने अपने देह भानु को गलाई दिया? तो पांडव इन फीमेल से जास्ती देही अभिमानी बन सकते हैं। फीमेल्स का शरीर है बड़ा नाजुक, उनको अपने शरीर का ही ओना लगा रहता है। गोप तो बेफिकर होते हैं। आजकल सोशल वर्कर फीमेल से भी बहुत काम करती है, वो भी पहाड़ों पर चली जाती है। यहाँ इन्हों को शुरू में पहाड़ियों पर ले जाते थे, अभी उस तरह के बहादुर बच्चे नहीं रहे, अभी तो जैसे बुढ़िया हो गई है, वो भी छोटी छोटी बच्चियां निकल रही हैं, नई नई बोला जैसे बुढ़िया हो गई है। लेकिन तुमको तो फिर बहुत जबरदस्त नशा रहना चाहिए। क्यों क्यों बुढ़िया बताया? कि अब जो निकल रहे हैं वो 5000 वर्ष, पूरे 5000 वर्ष पुरानी बुढ़िया निकल रही है। तो ज्यादा पुरानी कौन हुई? जो यज्ञ के आदि में थी वही दोबारा जन्म लेकर के फिर से आ रही है। पहले भी ब्रह्मा कुमारी थी, डायरेक्ट भगवान से उन्होंने ज्ञान सुना था, अभी फिर सुन रही है। तो इसलिए ये मिसाल दिया, आजकल सोशल वर्कर्स फीमेल से भी बहुत काम करती है, तुम भी बहुत काम कर सकती हो। वो भी पहाड़ों पर चली जाती है, तुम भी बहुत ऊंची स्टेज में जा सकती हो। माउंट आबू का मिसाल दिया कि शुरुआत में बाबा कन्याओं माताओं को ऊंचे पहाड़ों पर ले जाते थे, अभी उस तरह के बहादुर नहीं रहे जैसे बुढ़िया हो गई है। लेकिन तुमको तो बहुत जबरदस्त नशा रहना चाहिए कि हमको इस स्थूल पहाड़ पर चढ़ने वाली बुढ़िया नहीं है। हम कौन से पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं? हम तो
ऊंची स्टेज बुद्धि की जो ऊंची स्टेज होती है उस ऊंची स्टेज की पर्वतीय चोटी पर चढ़ने वाली बुढ़िया है उसके लिए कोई मेहनत शरीर की करने की दरकार नहीं है। हम इस भारत को स्वर्ग बनाते ये गुप्त नशा है। रूहानी और जिस्मानी दोनों काम में मस्त बनना चाहिए। आत्मा मस्त हो जाने से शरीर भी रिष्ट पुष्ट रहता है। क्या मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है? मन बुद्धि अगर अच्छी रहती है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। मन बुद्धि अगर घिसी पिटी है, तकलीफ में है, परेशान महसूस करती है तो शरीर भी रिष्ट पुष्ट नहीं हो सकता। बाप तुमको ऐसी शिक्षा देते हैं जो तुम्हारी काया बिल्कुल कंचन हो जाती है। क्या कहा है? ऐसी शिक्षा और कोई दे नहीं सकता। कैसी शिक्षा? कि इसी जन्म में हमारा शरीर रिजुविनेट होकर के कंचन काया बन जाए। ये बड़ा भारी स्कूल है। इनको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी? क्योंकि इसमें वर्ल्ड की दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबको मुक्ति मिलती है। दुख दर्दों से सबको मुक्ति मिल जाती है। सारी दुनिया का बाप टीचर गुरु एक ही है। किसको समझाओ? बोलो परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? हैं? परमपिता परमात्मा सेवा आपका क्या लगता है? फिर पूछो प्रजापिता आपका क्या लगता है? मुसलमान है तो उनसे पूछो आदम आपका क्या लगता है? क्रिश्चियन से उनसे पूछो एडम आपका क्या लगता है? पिता है तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए ना। पहले इस बात पर लिया, इस बात पर कि परम पिता परमात्मा है, सारी दुनिया उस परम पिता परमात्मा को याद करती है तो उसे कुछ तो बड़ी से बड़ी प्राप्ति होती होगी। कौन सी बड़ी प्राप्ति होती है? उससे हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। इस बात पर लिया ना। सेमिनार से तो मुख्य बात ये है तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। गीता का भगवान निराकार भगवान है जो सभी का फादर है। क्या कहा है? कृष्ण दादा लेखराज उनका एक भी चित्र ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा फोटो नहीं है जिसमें इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक की तरह निराकारी चीज दिखाई गई हो। जैसे और भी धर्म पिताएं हैं और धर्म पिताओं की जो बीज है, बीज रूप आत्माएं हैं वो उस स्टेज में टिकी हुई देखी जाती है। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन लगाने वाला जो बाप है वो भी निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है, न पता होने के कारण कृष्ण का नाम साकार का ठोक दिया और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियों ने उसकी शूटिंग कर दी। क्या शूटिंग कर दी? क्या शूटिंग कर दी? कि गीता का भगवान अगर इस सृष्टि पर कोई है साकार रूप में तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल है। बाप कहते हैं नहीं, वो तो साकारी स्टेज वाला है, उसका एक भी फोटो ऐसा नहीं है जो निराकारी स्टेज वाला हो। जो निराकारी स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष होगा वही गीता का भगवान निराकार है, वही सभी का फादर। अखबार में पढ़ेंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, सारे रिलीजियस लोगों में धम धम मच जाएगा। क्या क्या सुनकर के? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान निराकार है जो सब धर्म वालों को मान्य होगा। क्या कृष्ण को राम को सब धर्म वाले नहीं मानेंगे लेकिन निराकार परमपिता परमात्मा को सब धर्म वाले मानेंगे। तो बच्चों को आपस में मिलना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, व्यंग मार्ग की सर्विस होनी चाहिए। बल ना माताओं का करो लेकिन काम सारा गोप करे। बाप माताओं को आगे रखते हैं तो बच्चों को भी माताओं को कन्याओं को आगे रखना है। इंदिरा नेहरू विजय लक्ष्मी आदि का कितना मान है, किसका किसका नाम लिया है? इंदिरा का नाम लिया है,
इंदिरा का नाम लिया, नेहरू जी का नाम लिया, विजय लक्ष्मी का नाम लिया, वो तो हद की दुनिया के नाम हो गए। वेद की दुनिया में भी तो कोई नेहरू जी होंगे, कोई तो नेह की रूह होगी। नेह की रूह हुआ ना, जो सदैव आत्म की स्थिति में रहने वाला होगा वो ही दूसरों से रूहानियत के बतौर प्यार कर सकेगा। नहीं तो देवहान आएगा तो आज प्यार करेगा, कल ठुकराए देगा। नेहरू जी और उनकी बहन का नाम क्या दिखाया, विजयलक्ष्मी। तो वहां भी नेहरू जी होते, वो हद की दुनिया की बात। और यहाँ बेहद की दुनिया में भी कोई नेहरू जी है और उनकी बहन का नाम क्या बताया, विजयलक्ष्मी। इंदिरा ना इंदिरा गांधी, उस दुनिया में भी इंदिरा गांधी, तो इस दुनिया में भी इंदिरा गांधी। इन इन मना अंदरा, डर मना डर भरा हुआ है। उल्टे उल्टे काम किए तो उल्टा काम करने वालों के अंदर क्या भरा रहता है, डर भरा रहता है। पता नहीं आज पकड़े गए कि कल पकड़े गए, पकड़े जरूर जाएंगे, तो डर भरा रहता है। उनका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी। गंदे गंदे काम करते हैं तो नाम पड़ा इंदिरा गांधी। तुम्हारा नामाचार इन सब से ऊंचा हो जाएगा, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू जी हो, विजयलक्ष्मी हो, इन सब से तुम्हारा नाम ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर मिलकर के ये मेमोरेंडम बनाओ तो राधा कृष्ण शास्त्री आदि कुछ रिलीजियस माइंडेड है। टाइम देखना है, टाइम देखना चाहिए। मेमोरेंडम बनाए, अपनी सेना लेकर जाना चाहिए तो तुम्हारा नाम जल्दी बाला हो जाएगा। ये तो बच्चों का काम है, सारी दुनिया में तुम बीके का नामाचार निकल जाएगा। बहुत आवेंगे, तुम बतावेंगे बेहद के बाप को भूले हो। क्या, किसको भूले हो, बेहद के बाप को भूले हो। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, क्या बाप और बाप के बच्चे को और बाप की जो माता है वो तीनों को याद नहीं करना है। याद किसको करना है, एक निराकार बाप को याद करो। प्रश्न तो छोटा बच्चा है, वो थोड़े ही सबका माई बाप होगा। छोटा बच्चा माना, कृष्ण को छोटा बच्चा क्यों बता दिया, माना दादा लेखराज ब्रह्मा के पार्ट को छोटे बच्चे का पार्ट क्यों बताया। मुरली में भी बोल दिया, इस ब्रह्मा को तो बाबा बेबी कहते हैं, इस ब्रह्मा को दादा लेखराज को क्यों छोटा बच्चा बताया, क्योंकि उनकी बुद्धि जो है बच्चा बुद्धि थी। शिव बाबा ने जितना बोल दिया काका गागा ना, बस उतना ही रट लिया काका गागा ना। उसके ऊपर उसकी गहराई क्या है वो उस बात को समझने वाले नहीं थे। तो बोला कृष्ण थोड़े ही सबका माँ बाप होगा। तुम बच्चों ने गीत भी सुना, क्या सुना, तकदीर जगा कर आई हूँ। अपनी तकदीर देखो कैसी है, अभी माया ने तकदीर में पूरी लकीर लगाए कंबख्त बना दिया, लेकिन अभी तुम तकदीर जगा कर आए हो। भारत कितना वक्तावर था, चित्र तो देखो, लक्ष्मी नारायण के बिरला के भी कान पर आवाज पड़ेगा। बिरला ने बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाए हैं। भारत में फिर से लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो रहा है, ये बात बिरला के कान पर भी जाएगी। अरे हम तो पत्थर के जड़ चित्र बनाए रहे हैं और यहाँ चैतन्य लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। कलयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो लक्ष्मी नारायण अब बन रहे हैं। कलयुग जाने वाला है, कलयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। अरे ये चैतन्य में बन रहे हैं, अभी अंतिम जन्म में है। कौन
ये लक्ष्मी नारायण अभी अंतिम जन्म में है, बरोबर जगदम्बा जगत पिता भी है, प्रजापिता जगत का बाप हुआ ना, उनको भी वर्षा शिव बाबा से मिल रहा है, जिसको जगत पिता को भी जगदम्बा इस समय बाप से वर्षा ले जगत की महारानी बन जाती है। क्या बताया, जगत पिता को शिव बाप से वर्षा मिलता है और प्रजापिता से जगदम्बा को वर्षा मिलता है, तो बरोबर दोनों हैं, जगदम्बा भी है और जगत पिता भी है। प्रजापिता जगत का बाप हुआ ना, जगत पिता जगत का महाराजा बन जाता है, माना जो प्रजापिता का पार्ट है वही क्या बन जाता है, नारायण बन जाता है। तुम कहेंगे हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये सवेरे उठ करके ख्याल चलाओ, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। ये गुरु लोग क्या तकदीर बनाते हैं, मनुष्य गुरु कोई तुम्हारी तकदीर नहीं बना सकते, कुछ भी तकदीर नहीं बना सकते, सहमति तो किसी की भी होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। कहा जाता है सदगति दाता लिबरेटर, एक जो लिबरेट करेगा वो ही गाइड बन करके ले जाएगा। बाबा आया ये घर ले जाने के लिए, कहते हैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहिष्ट लाया हूँ, क्या उन्होंने फिर चित्र बनाई दिया है, क्या कृष्ण का चित्र बनाया और उसकी तीरी मैंने हथेली पर क्या रख दिया, स्वर्ग का गोला रख दिया, लेकिन उसका अर्थ क्या हुआ, वो स्थूल हथेली की बात है क्या, नहीं, हमारी बुद्धि में वो खाका तैयार हो जाता है, ये बुद्धि रूपी हथेली है, जिस बुद्धि रूपी हथेली में सारा प्लान बन जाता है, बन करके तैयार हो जाता है कि स्वर्ग की नई दुनिया कैसे आने वाली है। तो मैं तुम बच्चों के लिए तीरी पर बहस लाया हुआ हूँ, परंतु लायक भी बनो ना, बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं, तुम इन कानों से सुनते हो, बाबा हमारे लिए बहस लाया है, अब बच्चों को लायक बनना है, अशरीरी नष्ट मोहा बनना है। क्या कहा, तीरी पर बहस लेने के लिए हथेली पर नई दुनिया की विश्व की बादशाही नजर आने लगे, उसके लिए क्या करना है, एक तो निराकारी स्टेज अशरीरी बनना है और दूसरा देह और देह के संबंधों से नष्टो मोहा बनना है। अगर नष्टो मोहा बनेंगे तो क्या होगा, तो विश्व की बादशाही मिलेगी, अगर नष्टो मोहा नहीं बने, देह और देह के संबंधियों की तरफ ही बुद्धि भागती रही, ये शरीर भागता रहा, तो बजाय हो सकता है कि विश्व की बादशाही मिलने के और दास दासी बनना पड़े, पुरानी देह को भूलना पड़े। हम कोई नफरत नहीं करते हैं, क्या चाचा नाना काका ताऊ जो भी देह के संबंधी है उनसे कोई नफरत नहीं करते हैं, परंतु समझाया जाता है कि पुरानी दुनिया से अभी वैराग आना चाहिए, बाबा आया हुआ है तो फिर नई दुनिया के लिए तैयार होना चाहिए, औरों को भी तैयार करना चाहिए, बड़ी भारी यात्रा है, खुद भी नई दुनिया के लिए चलने के लिए नष्टो मोहा बनना और दूसरों को भी नष्टो मोहा बनाना, बाबा कितनों को वापस ले जाते, कहां परमधाम, 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूं, आया हूं जैसे कि सबको मारने के लिए, क्या सबके देहवान को मार देने के लिए आया हूं, वैसे मारता नहीं हूं, क्या मैं खुद मारता नहीं हूँ, मरवाता हूँ,
क्या? किसके द्वारा मरवाता हूँ? शंकर के द्वारा मरवाता हूँ और सबको वापस ले जाता हूँ। तो धर्मराज कौन हुआ? शंकर का ही रूप धर्मराज हो गया। सबको ले जाता हूँ, मनुष्य मौत के नाम से पीले पड़ जाते हैं। यहाँ तो तुम ये जानती हो, छी-छी दुनिया खत्म हो जानी है। माँ बाप स्त्री पति आदि सब मरेंगे तो फिर आंसू कौन बहाएगा? बड़ा जबरदस्त खूनी नाहक ड्रामा है। जो आदमी हुआ तो अंत में ब्राड रूप में होना है। आदमी क्या हुआ था? सन 47 में खून की नदियां बही थी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो अब आसुरों और देवताओं का बंटवारा होने वाला है क्या? अब राक्षसों का और देवताओं का बंटवारा होने वाला है। देवताएं कहेंगे स्वर्ग हमको दो और नरक, नरक में तुम जाओ, पातालपुरी में तुम जाओ, गड्ढे में हम जाएंगे उनके। सबको ले जाता हूँ। यहाँ तुम जानते हो ये छीछी दुनिया खत्म हो जानी है। माँ बाप स्त्री पति आदि सब मरेंगे, कोई आंसू बहाने वाला नहीं रहेगा। बड़ा जबरदस्त खूनी नाहक ड्रामा है। पार्टीशन हुआ तो खंजर देखो कैसे चले, खंजरों से कैसे मारा। रक्त की नदी बहती है ना। बाप तो कहते हैं पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी टाइम निकाल सको है पढ़ाई पढ़ो जरूर। 18-5-65 की वाणी का तीसरा पेज, जितना हो सके बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। दो काम करने हैं खास, कौन कौन से? पवित्र बनो और योगी बनो। कोई भी भूत अंदर नहीं रखना है। भूत बना, कोई भूत प्रेत रहता है क्या अंदर? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के ही भूत है। वो ही बड़ा रूप धारण करते हैं तो कोई भी सोल प्रवेश कर जाती है क्या? जिनके अंदर ये होते हैं उनके अंदर ही ये इविल सोल प्रवेश कर जाती है, बड़ा रूप धारण भी करती है। तो अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का कोई भूत नहीं रखना है। दिल दर्पण में देखना है, हमारे में ही अगर कोई भूत होगा तो हम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। नारद का मिसाल है ना, क्या मिसाल है कि नारद लक्ष्मी को वरने चला और अपनी सीरत को देखा नहीं कि हमारा स्वभाव संस्कार कैसा बंदरों में चले। तो दिल दर्पण में देखना है। नारद है सर्व शिरोमणि भक्त, क्या भक्तों में सबसे ऊंचा भक्त है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा नहीं है। माना सतयुग में जितने भी दूसरे से लेकर के और आठवें तक के नारायण होंगे वो सब क्या हो गए? नंबर वार नारायण हो गए। वो सब भक्ति सीखने और दूसरों को भक्ति सिखाने वाले हैं, अधूरे नारायण। जो अधूरे बनेंगे वो दूसरों को भी कैसा ज्ञान देंगे? अधूरा ज्ञान देंगे। तो इनका मिसाल देते हैं कि इन पांच भूतों को भगाना है। मुख्य है देहाभिमान, पांच विकारों का बाप कौन है? देहाभिमान। इसलिए रावण का चित्र बनाते हैं, पांच मुख स्त्री के, पांच मुख पुरुष के देते हैं। उनके ऊपर एक गधे का शिशिर बनाते हैं। क्या? रावण के 10 सिरों के ऊपर गधे का शीश भी दिखाते हैं। वो गधे का शीश किसकी निशानी है? जय अभिमान रूपी गधे की निशानी है। गधा क्या करता है? उसको कितना भी नहलाओ धुलाओ फिर क्या करेगा? मिट्टी में लौट जाए। तो ऐसे ही जो दे अभिमानी सांडे होते हैं उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, ज्ञान इधर सुनेंगे घर में जाकर के दे अभिमानी की मिट्टी में धूल में लौटने लग पड़ेंगे। तो नारद है सर्व शिरोमणि भक्त,
बाप कहते हैं देही अनुमानी भव, अब आत्मा बाप के बच्चे हैं, वो तुमको बनना है। बाप वर्षा देने आए हैं किसको, आत्माओं को या देह अभिमानी को? आत्माओं को वर्षा देने आए हैं। आत्मा अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, खास फीमेल्स में देह भान बहुत रहता है। क्या है जो फीमेल्स हैं उनमें देह का होना बहुत रहता है, फैशन भी जाति कौन करती है, फीमेल से जाती फैशन करती है, उनमें बहुत फीमेल में सेम फैशन रहता है। बाप समझाते हैं तुम तो शिव शक्तियां हो, क्या तुम शिव शक्तियां हो, और जब तुम शिव शक्तियां हो तो कुएं का पंप भी नहीं चला सकती हो, हैं? पंप में क्या चलाना पड़ा, पंप चलाना पड़ा ना, तो पंप भी नहीं चला सकती हो। घर है, घर में तो बच्चे काम करेंगे ना, हैं? फिर लोग ब्रह्मा कुमारियों के हाथ हो, ढेर सारा मुहैया पानी मिलता है, टोटी खोली और पानी ही पानी, और यहाँ तो हमको हैंडपाइप चलाना पड़ता है। अरे ये भगवान का घर है, घर में तो बच्चे सब काम करेंगे ना, तुम सूत्र से काम नहीं ले सकते हो, माने तुम कोई नौकर को इधर बुलाकर नहीं रह सकते हो कि हमारा आकर के पंप चलाओ, पानी निकालो या बर्तन साफ करो। शूद्र का हाथ नहीं होना चाहिए। क्या कहा, कोई भी काम में, घर में जो भी काम होता हो उसमें शूद्र का हाथ नहीं होना चाहिए। बल्लभाचार्य कब शूद्र को छूने नहीं देते हैं, तो वो भी पतित, परंतु विकार को वो पतित पना नहीं समझते हैं। और तुम विकारी को ही पतित समझती हो। पतित और पावन, पतित यानी विषय, पावन यानी वॉइसलेस। तो बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे हर बात में बहादुर बनो। बाबा ने गुप्ता को भी डायरेक्शन दिया था, एक बनारस में गुप्ता जी थे, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। बाबा ने उनको बनारस में भेजा कि विद्युत मंडली को समझाओ, गीता का भगवान साबित करो, पढ़े लिखे थे। तो बाबा ने गुप्ता को भी डायरेक्शन दिया था, बनारस में विद्युत मंडली है जहाँ बड़े बड़े टाइटल देते हैं, वहाँ अंदर घुस जाओ, पहली भूत बलाओ, भूल ये बताओ किस कारण से गीता खंडित हुई है, किसको बताओ, उन विद्वान पंडित आचार्यों को बताओ। रड़ियां मारनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, पंचायती राज है, बड़ बड़े के पास जाएं और उनको हाथ कर लें, फिर कमेटियां आदि वो भेज देते हैं, तुम एक बात सिद्ध करके बतावेंगी तो फिर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। फिर ऐसे कब नहीं कहेंगे कि बी के जादू लगाने वाली है। तो तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए ना, फेल हुए फिर पुरुषार्थ खड़ा, पहाड़ी पर जाने से तूफान लगते हैं, क्या था? है तुम पुरुषार्थ की जितनी ऊंची स्टेज में जाएंगे उतने जाते माया के तूफान भी आएंगे। तो जब जाते तूफान आते हैं तो थक करके लौट आते हैं, नीचे उतर आते हैं, फिर तूफान थोड़ा कम हो जाए फिर हम ऊंचे चढ़े, फिर दोबारा चढ़ते हैं, देखते हैं बड़ा खौफनाक वायुमंडल है, वायुमंडल ठीक नहीं है तो नीचे उतर आते हैं, जब वायुमंडल ठीक देखते हैं तो फिर चढ़ते हैं। तो बाप भी कहते हैं अब जल्दी जल्दी करो, क्या जल्दी ऊपर चढ़ो और तूफान आए तो नीचे आकर के शेल्टर ले लो, शरण ले लो, हर बात में कोशिश करो, आपस में मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। तुम बच्चे स्टूडेंट तो हो ही,
एक को याद करना है, बाप हमारा टीचर है, सतगुरु है, तीनों के वर्षे हमको मिलते हैं, बाप का भी वर्षा मिलता है, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, पढ़ाई से भी लायक बनाते हैं। बाबा हमें समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी का पारा क्यों नहीं चढ़ता है? हैं? क्यों नहीं चढ़ता खुशी का पारा? हैं? इसलिए पारा नहीं चढ़ता कि बाबा को साधारण देख करके बाबा को भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो कोई प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाए, जो इंडिया का राष्ट्रपति है, और उसके घर में पहुंच जाए तो उसको नशाई कर जाता है। और तुम बच्चे साधारण देखते हो तो तुम्हारा नशा, सामने बैठते हो तो नशा चढ़ता है, बाहर जाते हो तो नशा उतर जाता है, भूल जाते हो। बाबा खास कहते हैं, शिव बाबा को भूलने से तुम पाप आत्मा बन जाओगे। क्या तुम घड़ी घड़ी बाप दादा को भूलते रहेंगे, बाप को भूलते रहेंगे तो पाप आत्मा बन जाएंगे? वर्षा बाप से मिलता है, साकार को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। किसकी तरफ इशारा किया है? 65 की वाणी है ना, तो उस समय 65 में किसके तन में आता था? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के तन में आता था, वो तो साकार रूप था। इस साकार को अगर याद करेंगे तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगा। ये तो उनको याद करते हैं। कौन? ये तो उनको याद करते हैं। ये माना कौन? कौन बोल रहा है? शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन से बोला, ये तो उनको याद करते हैं। ये माना कौन? ब्रह्मा बाबा। किसको याद करते हैं? जो यज्ञ के आदि में प्रजापिता था, पियु था, उसको याद करते हैं। ये तो उनको याद करते हैं, हमारे बाप को याद करते हैं, बाबा इन द्वारा बहलाते हैं। क्या कहा? शिव बाबा इस ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को बहलाते रहते हैं। कब तक? जब तक वो असली पाठधारी शशि रूपी रंगमंच पर ब्राह्मणों की दुनिया में अवतरित न हो जाए। तो बाबा इन द्वारा बहलाते हैं, कहते हैं मैं एक ही बार आकर बच्चों का जो काम, बच्चों को जो काम चिता पर बैठ जड़ गए हैं उनको ज्ञान शिक्षा पर बिठाए गोरा बनाता हूँ। शौक होता है, गाते हैं तुम्ही से बैठू तुम्ही से खाऊ। जब तक शरीर में न आए तो फिर तुम्ही से कैसे खाऊं और तुम्ही से कैसे बैठू? क्या कहा? इस ब्रह्मा को तो याद नहीं करना है, तो किसके साथ खाऊं, किसके साथ बैठूं, किसके साथ श्वासों श्वास श्वास निभाऊं? जब तक ना आए तब तक कैसे ये संभव हो सकता है? बाप समझाते हैं, बच्चे गुल गुल बन जाओ, पारलौकिक बाप को याद करो, बहुत मीठे बनो, देह अभिमान छोड़ो, फिर तुम बच्चों को सर्विस में मददगार भी बनना चाहिए। यज्ञ की हर सर्विस तरफ ख्याल रखना चाहिए। देखे पानी ठंडा है क्या? कोई गर्म होता है, गर्म मिजाज होता है तो उस समय ज्ञान नहीं सुनेगा, लेकिन देखो उसका दिमाग ठंडा है तो उसको भू 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 करने लग पड़ो ज्ञान की। तो देखे पानी ठंडा है, एक दो को राय देकर के उन्नति पाना है, नाजुक नहीं बनना है। बड़े नाजुक बन जाते हैं, हम तो हेड है क्या? ब्रह्मा कुमारियों में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों में भी जो इंचार्ज होती है उनमें क्या देवान आ जाता है कि हम तो हेड है? अरे हेड कोई भी नहीं है। क्या कहा? जब शिव बाबा ही आके क्या कहते हैं, बच्चे मैं कौन हूँ तुम्हारा? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बाप हूँ। बाप तो, माँ बाप तो बच्चों के सर्वेंट होते हैं ना, पहले बुआ चीजी साफ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जिंदगी भर कमाई करते हैं, और अंत में सब कुछ बच्चों को सौंप करके
चले जाते हैं तो फर्स्ट क्लास ओबीडियंट सर्वेंट कौन हुए? माँ बाप ही हुए। तो बाप तो बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आया हुआ है और तुम हेड बन करके बैठ जाती हो। तो बाबा कहते हैं यहाँ हेड, यहाँ इंचार्ज कोई भी नहीं है, सब सर्वेंट है, सब एक दूसरे के सेवाधारी है। वे अभिमान नहीं आने चाहिए। बूढ़ों की बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। हम पुरानी दुनिया से अब नई दुनिया में जा रहे हैं, पुरानी दुनिया को हम लात मारते हैं। ये तो छीछी दुनिया है। तुम जानते हो इस समय माया का पंप है। बाप फरमान करते हैं भिख का सेवन नहीं करो। क्या विषय विकारों का सेवन नहीं करो, अमृत सेवन करो। बाप क्या पिलाते हैं? व्या बाप आकर के ज्ञान अमृत पिलाए रहे हैं। अब इस भिख को छोड़ दो। अगर भिख भी पीते रहेंगे और अमृत भी पीते रहेंगे तो क्या होगा? तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? और ये 100 गुना 1000 गुना पाप का बोझ हटता रहेगा। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम फिर भिख क्यों खाते हो? मेरी मत पर चलो तो मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा। ये है ही नर से नारायण बनने की नाली। क्या भक्ति मार्ग की जो गीता है उसमें भी इस बात को मानते हैं कि नर अर्जुन को भगवान ने नारायण बनाने का ज्ञान दिया। गीता में नारी द्रौपदी को नारायणी बनने का ज्ञान दिया। तो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का ये ज्ञान परमात्मा बाप आकर के दे रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग कैसे बच्चों को? जो मीठे मीठे हैं, बात बात में कड़वाहट छोड़ते हैं, दूसरों को दुखी कर देते हैं, उनको नहीं याद प्यार किसको देते हैं? मीठे मीठे बच्चों को, उन सिकीले बच्चों को याद प्यार देते हैं जो यज्ञ के आदि में ही थे, सन 36-40 के बीच। अब दोबारा फिर आए हुए उनको याद प्यार देते हैं। किसका याद प्यार देते हैं? माता पिता दोनों का याद प्यार देते हैं। यज्ञ के आदि में भी माता पिता दोनों मौजूद थे, अभी भी माता पिता दोनों ही मौजूद हैं। और फिर बाप दादा का याद प्यार किसका? किसका? बाप शिव राम के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बाप शिव राम का याद प्यार और दादा कृष्ण की सोल उसका याद प्यार। गुड मॉर्निंग। राशि क्रास है 4-5 लाइन का। कोई भी विकर्म करेंगे तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। क्या करेंगे? कोई भी विपरीत कर्म करेंगे, जो श्रीमत है कर्म करना सिखा रही है, जो बाबा श्रीमत देते हैं कि ऐसे कर्म करो ऐसे कर्म ना करो, श्रीमत देते हैं ना, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं ना। तो अगर विकर्म माना विपरीत कर्म करेंगे, जो मैं बताता हूँ कर्म करना, उस कर्म के विपरीत कर्म अगर करेंगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो कड़ी सजा खानी पड़ेगी। धर्मराज की सजाएं बहुत कड़ी होती है। फिर तुमको वहां साक्षात्कार भी होगा कि देखो तुमको हमने इतना समझाया फिर भी तुमने ये पाप किए। बहुत बच्चे पापों को छिपाते भी। क्या? एक तो पाप करते हैं और दूसरा पाप छिपा लेते हैं। पाप कहते हैं मनुष्य हो, मनुष्य शरीर है तो भूले तो होती है, लेकिन भूलों को छुपाना नहीं। बाप के सामने तो कब नहीं छुपाना चाहिए। बच्चे बाप पापों को छिपाते हैं। बाबा कहते हैं कोई को भी पाप करता हुआ देखो तो भी बताओ। क्या ऐसे नहीं कि हमने तो कोई पाप किया नहीं, पाप तो हो कर रहा था, हमसे इसका क्या मतलब? जो कोई कुछ करता है वो अपना खुद भरेगा।
लेकिन बाप कहते हैं कि अगर कोई पाप करता हुआ देखो तो भी बाबा को बताना चाहिए, नहीं बतावेंगे तो वो पाप का बोझा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ेगा। पाप करता हुआ देखो तो बताओ तो उनको सावधानी दी जाए, क्या अगर नहीं बताया तो एक तो अपने ऊपर भी बोझा चढ़ाया, बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया, और दूसरा उस आत्मा के प्रति तुमने रहम भाव नहीं दिखाया। क्या रहम भाव? तुमने बुद्धि में सोचा कि वो नीचा काम करता है, पाप कर्म करता है, तो अपने आप नीचे गिरेगा, गिरने दो। तो गिरने दो का ये संकल्प, ये शुभ संकल्प हुआ उस आत्मा के प्रति या अशुभ संकल्प हुआ? अशुभ संकल्प हुआ। तो सावधानी देने के लिए बाप को बताना जरूरी है, नहीं तो पाप वृद्धि को पाते जाएंगे, फिर उसका दोष न सुनाने वाले पर भी आ जाता है। कोई ने चोरी की, खुद तो बतावेंगे नहीं, तो जो देखने वाला है उसको बताना चाहिए। बाप समझाते हैं अगर तुम छिपावेंगे तो पाप वृद्धि को पाते जाएंगे, औरों के भी पाप वृद्धि को पावेंगे और तुम्हारे भी पाप वृद्धि को पाते जाएंगे और तुम्हारी दुर्गति होती जाएगी। इसलिए कोई भी पाप कर्म अगर देखते हो तो बाप को जरूर बताना चाहिए, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए, न कि प्रजा में जाकर के दास दासी बनना चाहिए। बाप का वर्षा है राजा ही, तो बच्चों को मैं राजयोग सिखाने आया हूँ, राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके राजा बनना चाहिए, दास दासी बनना नहीं चाहिए। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, विकर्म करते रहेंगे, मनुष्यों की मत पर या मनमत पर चलते रहेंगे, तो बजाय राजा ही पाने के और ही दास दासी बन पड़े। अच्छा, ओम शांति।